हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। आई होप यू ऑल आर रीडिंग दिस चैप्टर प्रॉपरली सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एग स्टूडेंट्स ऑल एग्स इधर बिग और स्मॉल हैव अ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर शेल स्टूडेंट्स सभी एग्स में चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों सभी में एक हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर शेल होती है जिसे हम बोलते हैं एग शेल दिस प्रोटेक्ट्स द ग्रोइंग पार्ट्स इनसाइड यही हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग अंदर के सभी ग्रोइंग पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है एंड द येलो पार्ट इन साइड द एग इज नॉन एज यॉक जो येलो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं योक एंड दिस यॉक स्टोर्स फूड फॉर ग्रोइंग बेबी बर्ड और एम्ब्रियो इट इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक कलरलेस लिक्विड कॉल्ड एल्ब्यूमिन और वी कैन से द वाइट पार्ट ऑफ एन एग इट प्रोटेक्ट द योक एंड एम्ब्रियो स्टूडेंट्स जो यॉक पार्ट है वही ग्रोइंग बेबी बर्ड के लिए फूड स्टोर करता है और उसके अराउंड जो ये वाइट कलरलेस लिक्विड प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है यॉक और एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना आफ्टर दैट द एम्ब्रियो डेवलप्स इन टू लिविंग क्रिएचर इट लुक्स लाइक इट्स पेरेंट्स स्टूडेंट्स कुछ टाइम बाद क्या है वही एम्ब्रियो एक न्यू लिविंग बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा दिखाई देता है The embryo develops into a baby only if the egg is kept warm. Embryo baby में तभी convert होता है अगर egg को गर्म रखा जाए warm रखा जाए This explains why do birds sit on their eggs in the nest. यहीं से हमें clear होता है कि जो birds हैं वो nest में eggs के ऊपर क्यों बैठते हैं Eggs को warmth provide करने के लिए So birds have to sit on their eggs for several days before they are finally hatched. Now we will discuss the different stages of a growing embryo in different kind of animals. So let's start from the development of a chick. Students, in the development of chick, at the first day, the embryo appears as a red spot in yolk. Yolk, kya andar bil kulik red spot ki embryo. By the fourth day, the embryo becomes more clearer. Fourth day, students, ye embryo thoda or clear And by the eighth day, लार्ज आई सीन आठवें दिन उसी एम्ब्रियो की बड़ी सी आंख दिखाई देने लगती है एंड बाय द ट्वेल्थ डे विंग्स लेग्स एंड बॉडी आर क्लियरली सीन आप ट्वेल्थ डे देख सकते हो कि उसी एम्ब्रियो की उसके विंग्स निकलने लगते हैं लेग्स उसकी बॉडी क्लियरली दिखाई देने लगती है एंड बाय द ट्वेंटी फर्स्ट डे द चेक कम्स आउट ऑफ द एग सो ट्वेंटी वन डेज में चेक की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है और वो ट्वेंटी फर्स्ट डे एग से बाहर आ जाता है इज दैट क्लियर नाउ लेट्स डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ अ फिश स्टूडेंट्स अ फिश लेस एग्स इन वॉटर हमें पता है फिश कहाँ पे रहती है वॉटर में सो so, वो अपने एग्स भी कहां ले करेगी वॉटर में एंड द फिश एग्स आर कॉल्ड स्पॉन्स फिश के एग्स को क्या बोला जाता है स्पॉन्स

बाकी की फिशेस जो बच जाती हैं वो ग्रो होने के बाद अडल्ट में कन्वर्ट होती हैं और फिर से यही साइकिल रिपीट होती रहती है सो डियर स्टूडेंट्स फर्स्टली मेंशन टूडेज डेट ऑन दिस टॉपिक एंड रीड द टॉपिक प्रॉपरली फ्रॉम योर बुक